आपको देश में अग्निपथ योजना के विरोध के बीच आज कुछ संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है। इसे लेकर आरपीएफ और जीआरपी हाई अलर्ट पर है। हालिया हिंसा घटनाओं के बाद आरपीएफ और जीआरपी काफी सतर्कता बरत रहे हैं, लिहाजा आरपीएफ के सीनियर ऑफिसर्स ने हिंसा करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्ती से निपटने के आदेश भी दिए हैं। आदेश में साफ तौर पर यह कहा गया है कि हिंसा करने वालों के खिलाफ संगीन धाराओं के तहत कार्रवाई होगी। भारत बंद के ऐलान के बाद आरपीएफ और जीआरपीएफ के अधिकारियों ने कहा कि चप्पे चप्पे पर बारीकी से नजर रखी जा रही है, अगर कोई भी प्रदर्शनकारी हिंसा करता है तो उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। भारत बंद के दौरान हर गतिविधियों की बारीकी से और सतर्कता पूर्वक निगरानी जारी है। इसके साथ ही मोबाइल कैमरा सीसीटीवी से हिंसा करने वालों के खिलाफ डिजिटल साक्ष्य जुटाने के आदेश भी दे दिए गए हैं। तो सोशल मीडिया पर भी अगर कोई अफवाह फैलाता है तो उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस पूरी तरह से बारीकी से नजर रखी हुई है। भारत बंद का आज अलर्ट जारी हुआ है, उस पर बता दें जीआरपी और आरपीएफ दोनों ही पुलिस पूरी तरह से तैनात है, मोर्चे पर तैनात है। तो हाई अलर्ट पर आरपीएफ और जीआरपी है। कोई भी अगर किसी भी तरह की गतिविधियों पर लिप्त पाया जाता है तो सख्त से सख्त जो कार्रवाई है वो उसके खिलाफ की जाएगी। मोबाइल कैमरा सीसीटीवी से हिंसा करने वालों के खिलाफ डिजिटल साक्ष्य जुटाने के आदेश दे दिए गए हैं। उपद्रवी जहां पर भी होते हैं, कोई भी आशंका होती है, विशेष सतर्कता आज बरती जा रही है। तो कुछ संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया, इसके चलते हुए अलग अलग जगहों से हमारे साथ अलग अलग संवाददाता जुड़ गए। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से माहौल है। हमारे साथ ग्वालियर से सबसे पहले हमारे साथ इंदौर से महेश मिश्रा जुड़े हुए हैं और हमारे साथ रायपुर से मोहम्मद हसन जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रायपुर चलते हैं। हसन, जिस तरह से बात कर प्रदर्शनकारियों की ओर से कहा गया कि आज भारत बंद है और ऐसे में रायपुर में किस तरह से जो है वो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, किस तरह की हाई अलर्ट पर पुलिस है और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कई जो ट्रेनें हैं वो रद्द भी कर दी गई हैं, ऐसे में क्या कुछ माहौल आप इस समय देख पा रहे हैं? देखिए बिल्कुल श्वेता, अगर बात करें आर्मी में भर्ती के लिए तो हाल ही में केंद्र सरकार ने अग्निपथ की योजना जो है वो लागू की है, जिसका विरोध देश भर में युवाओं द्वारा किया जा रहा है। इसी के चलते अन्य राज्यों में जिस तरह से हिंसा देखी गई, वहीं आज भारत बंद का जो है आह्वान किया गया। इस वक्त हम रायपुर के रेलवे स्टेशन में हैं। आप देख पा रहे हैं कि यात्री जो है वो आवागमन कर रहे हैं, सभी कुछ सामान्य रूप से चल रहा है, लेकिन पुलिस बल जो है बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। अगर संख्या की बात करें तो राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन में जो है 200 से ज्यादा पुलिस बलों को तैनात किया गया है। 5 से ज्यादा पेट्रोलिंग गाड़ियां यहां पर लगाई गई हैं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि भारत बंद के आह्वान का अगर बाजार की बात करें तो बाजार में कुछ खासा असर नहीं दिख रहा है। राजधानी रायपुर में भारत बंद को लेकर के व्यापारियों ने कोई ऐसा यहाँ पर जो है समर्थन नहीं किया है, जो भी सब कुछ सामान्य है, लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्था ऐतिहासिक तौर पर जो है बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशन में शहर के मुख्य मार्गों में लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। वहीं पुलिस ने इसको लेकर के एक आदेश भी जारी हुआ है सभी पुलिस अधीक्षकों को कि कोई भी यदि हुल्लड़बाजी करता है या मारपीट या इस तरह की हिंसा की घटना को अंजाम देता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और जो भारत बंद के लिए वहाँ पर हाई अलर्ट जो है राजधानी रायपुर में किया गया है, हालांकि इसका असर जो है वो ट्रेनों पर दिख रहा है, क्योंकि आज अगर हम सुबह से बात करें तो 15 से 20 जो ट्रेनें हैं वो रद्द कीजिएगा जो है अपने समय निर्धारित समय से जो है वो लेट चल रही है। इस वजह से यात्रियों को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो बिल्कुल रायपुर की तस्वीरें हम देख पा रहे थे कि किस तरह से माहौल है। पूरी तरह से रेलवे प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है, अगर उड़दंग कोई करता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दें 15 से 20 ट्रेनें जो है वो डिले पर चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हसन तमाम जानकारी के लिए। और हमारे साथ इंदौर से महेश मिश्रा जुड़े हुए हैं। इंदौर की अगर बात करें महेश, हमने देखा था अग्निपथ के विरोध में इंदौर में किस तरह से हिंसात्मक तस्वीरें साफ तौर पर सामने आई थी। ऐसे में जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय ने भी बड़ा बयान दिया, हालांकि उन्होंने उसके बाद जो कहा कि तोड़ मरोड़ कर जो बयान है पेश किया गया, लेकिन उसके बाद आज किस तरह से माहौल देख पा रहे हैं? तो इंदौर में बिल्कुल सामान्य स्थिति है, लोगों को कहीं भी बंद का एहसास नहीं है, किसी तरह का माहौल इस तरह का नजर नहीं आ रहा है पूरे शहर में कि जहां पे बंद को लेकर कोई विरोध नजर आ रहा हो, किसी तरह की कोई दुकानें बंद हो। आप मेरे पीछे की ओर यदि आप देखेंगे तो मार्केट
धीरे धीरे खुल रहे हैं, लोग अपने ऑफिस दफ्तर आने जाने के लिए घरों से निकल चुके हैं, तो शहर में स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। हाँ, इंदौर में अग्निपथ के विरोध में लक्ष्मीबाई स्टेशन पे विरोध हुआ था, लोगों ने, युवाओं ने तोड़फोड़ की थी, ट्रेनों में पथराव किया था और पुलिस को आंसू गैस तक चलाना पड़ा था, तो जिसके चलते रेलवे ट्रैक के ऊपर काफ़ी नज़र रखी जा रही है। जिस तरीके से आपने शुरुआत में बताया, GRPO और CRPF के जो लोग हैं, जो रेलवे पुलिस है, वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। ट्रेनों के ऊपर खासतौर पर रेलवे प्लेटफॉर्म और रेल पटरियों पे नज़र रखी जा रही है कि किसी तरीके से कहीं कोई उपद्रवी वहाँ तक ना जा पहुँचे। इंदौर में भी रायपुर की तरह ट्रेनें रद्द हो रही हैं, कुछ ट्रेनें रद्द हुई हैं और कई ट्रेनें जो हैं वो देरी से चल रही हैं। दरअसल इंदौर की ओर आने वाला जो ट्रैफिक है इस वक्त, जो मुंबई, माफ कीजिएगा, जो दिल्ली की ओर से आता है, वो राजस्थान होकर गुजरता है और जहाँ जहाँ देश में सरकारें गैर केंद्र सरकार की दल की हैं, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के अलावा अन्य दलों की सरकारें, उन राज्यों में ऐसा माना जा रहा है कि बंद का असर रहेगा। और यदि मध्य प्रदेश के इंदौर में आने वाली ट्रेनें राजस्थान से होकर गुजरती हैं तो उन ट्रेनों को वहाँ पर डिले किया जा रहा है, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पर शहर की बात करें तो श्वेता, शहर में किसी तरह की कोई भी बंद का असर नजर नहीं आ रहा है, लोग सामान्य जनजीवन के तहत अपने कामों के लिए निकल चुके हैं। बिल्कुल महेश, हमें बता रहे हैं कि हालांकि कुछ ट्रेनें रद्द हुई हैं, कुछ ट्रेन जो है वो डिले पर भी चल रही है, लेकिन जो साफ तौर पर अगर हम शहर की स्थितियों की बात करें तो वो सामान्य नजर आ रही हैं। क्या कोई, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें एक और बड़ी खबर की, जहां पर जबलपुर से सामने आ रही है। आप बने रहिए महेश हमारे साथ। अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। तो जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। स्टेशन पर RPF और GRP की तैनाती कर दी गई है। GRP थाना प्रभारी सुनील नेमा ने चेतावनी दी है, हर परिस्थिति में उपद्रवियों से निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, GRP थाना प्रभारी सुनील नेमा ने चेतावनी दी है, तो हर परिस्थिति में उपद्रवियों से निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैनात हैं। देश में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध जारी है। इसको लेकर जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर भी जबलपुर के रेलवे स्टेशन पर चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ की GRP और RPF पुलिस ने की है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ GRP थाना प्रभारी सुनील नेमा मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानते हैं, सर क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, उपद्रवियों से निपटने की क्या तैयारी की? अग्निपथ योजना का जिस तरह से विरोध पूरे प्रदेश में हो रहा है, इसकी आशंका के चलते जबलपुर रेलवे स्टेशन पर RPF और GRP की संयुक्त व्यवस्था लगाई गई है। उपद्रवियों से निपटने के लिए पूरी कार्ययोजना तैयार कर और उस पर अमल किया जा रहा है। हमने जबलपुर स्टेशन के साथ साथ मदन महल, सिहोरा, आधारताल और साथ में ही पड़ने वाले छोटे छोटे रेलवे स्टेशन पर भी इस तरह की व्यवस्था लगाई गई है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई स्थिति निर्मित होती है तो उनसे निपटा जा सके। जहाँ तक जबलपुर रेलवे स्टेशन का सवाल है, तो कटनी और इटारसी दोनों ही छोर पर विशेष टुकड़ी तैनात की गई है। सभी प्लेटफॉर्म पर हमारी व्यवस्था है और अगर उपद्रवी आते हैं तो उनसे निपटने के लिए भी हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है। बिल्कुल, ये थे सुनील नेमा। इनका साफ कहना है कि अगर रेलवे स्टेशन जबलपुर में किसी भी उपद्रवी ने उपद्रव करने की कोशिश की तो उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। जबलपुर से INS न्यूज़ के लिए फतेह सिंह। तो हर परिस्थिति में उपद्रवियों से निपटने के लिए जो तैयार हैं वो साफ तौर पर GRP तैनात है और सेना के जो जवान हैं वो भी तैनात है। हमारे साथ महेश मिश्रा इंदौर से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ संजय साहू जबलपुर से भी जुड़े हुए हैं। संजय, जिस तरह से बात करें जबलपुर की, क्या हालात है? क्योंकि स्टेशनों पर एक कहा जा रहा है चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं, जवानों को तैनात कर दिया गया, उसके आसपास के क्षेत्रों की अगर हम बात करें, कटनी या जबलपुर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, ऐसे में क्या चाक चौबंद व्यवस्था है आज, किस तरह से माहौल जो है वो शहर का दिख रहा है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर भारत बंद का आह्वान किया गया अग्निपथ योजना का और उसका विरोध जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन जबलपुर की बात जबलपुर मुख्य स्थिति हो, यहाँ पर आप सकते हैं कहीं पर भी बंद का असर जो दिखाई नहीं दे रहा है। जो मुख्य सिटी हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ कहीं पर भी बंद का असर जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। लोग, दुकानें जो है वो पूरी तरह खुली नजर आ रही हैं। लोगों का आवागमन जो है वो पूरी तरह, स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो भी यहाँ पर
चालू हैं, तो कह सकते हैं कि कहीं पर भी बंद का जो असर होना चाहिए था वो असर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें, तो प्रशासन ने जहाँ संवेदनशील क्षेत्र है वहाँ पर अपना अमला लगाया हुआ है, जहाँ से युवा निकलने की संभावना है वहाँ पर भी अपना अमला लगाया हुआ है। उपद्रवियों पर नजर रखी जा रही है जो उपद्रव कर सकते हैं, ऐसे स्थानों को और ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया, तो प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से हमारे जो सहयोगी हैं फतेह सिंह, उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन पर कहीं पूरी जगह चाक चौबंद व्यवस्था है, कहीं कोई स्थिति नहीं, आरपीएफ और जीआरपी की टीमें तैनात है। तो इसी प्रकार जबलपुर में जो बस स्टैंड क्षेत्र है, जो अंतर्राज्यीय बस स्टैंड है, वहां पर भी पुलिस के जवान तैनात हैं और पूरी एक टुकड़ी वहां पर तैनात की गई। तो कहीं ना कहीं जो बंद का जो असर होना चाहिए था वो यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल, शहर का माहौल हम देख पा रहे थे कि किस तरह से नॉर्मल स्थितियां बनी हुई है, लेकिन प्रदर्शनकारी जो थे रेलवे स्टेशन पर जिस तरह से उन्होंने तोड़फोड़ की थी, आगजनी की थी, उसको देखते हुए मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी है। और जबलपुर की तस्वीरें हम संजय के माध्यम से जान रहे थे। हमारे साथ महेश मिश्रा इंदौर से बने हुए हैं। इंदौर की बात करें महेश, कुछ ऐसे इलाके चिन्हित किए गए हैं क्या जहां पर उपद्रवी हिंसा फैला सकते हैं, कोई अप्रिय घटना ना हो, इस वजह से किस तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए श्रोता, इंदौर में जो इलाके चयनित किए गए हैं वो इंदौर के रेलवे प्लेटफॉर्म से स्टेशन से, इंदौर शहर में चार छोटे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म और स्टेशन से, चारों स्टेशन जो शहर में आते हैं वहाँ पे जीआरपी और आरपीएफ की टीम लगी हुई है, पूरी तरीके से रेलवे जो ट्रैक है उनकी निगरानी की जा रही है। इसके अलावा इंदौर एजुकेशन का एक बड़ा हब है, इंदौर का जो भवरकुआं क्षेत्र है उसको मध्य प्रदेश का कोटा कहा जाता है, वहाँ पे कोचिंग जो संस्थान है वहाँ पे जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनके ऊपर खास तौर पर नज़र रखी जा रही है। कोचिंग संचालकों को पहले ही कल शाम को एक मीटिंग प्रशासन ने बुलाई थी, उस मीटिंग में बात की है, उन्हें समझाइश दी है कि बच्चों में किसी तरह का कोई भ्रम ना फैले, वो इस बात का ध्यान रखें, और किसी तरह की युवाओं की कोई गैदरिंग ना हो, युवाओं को एक साथ कहीं इकट्ठा ना होने दिया जाए ताकि किसी अप्रिय घटना को होने से रोका जाए। तो इंदौर में रेलवे स्टेशन और जो कोचिंग संस्थान है और जिन इलाकों में कोचिंग और हॉस्टल्स हैं जहाँ पे बाहर से बच्चे आके रहते हैं और पढ़ते हैं उन पर विशेष तौर पर नज़र रखी जा रही है। इसके अलावा पूरा शहर जो है वो सामान्य रूप से अपने जनजीवन की तरह चल रहा है, हालांकि पुलिस की जो गश्ती है, पुलिस के जो गश्ती दल है वो अलग अलग इलाकों में अपनी गश्त लगा रहे हैं, लगातार हर चौराहे पे हर इलाके में पुलिस की मौजूदगी यहाँ पे देखी जा सकती है। बिल्कुल, तो हर इलाके में चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है, पुलिस जो है वो तैनात है। महेश मिश्रा हमारे साथ इंदौर से जुड़े होते हैं। हमारे साथ ग्वालियर से जावेद खान भी जुड़ गए हैं। जावेद, जिस तरह से बात करें आज भारत बंद का आह्वान किया गया, ग्वालियर में सबसे पहले तस्वीरें मध्य प्रदेश से सामने आई थी जहां पर किस तरह से हिंसात्मक तस्वीरें हमने देखी थी कि तोड़फोड़ जो की थी वो की गई थी, आगजनी की गई थी, अब क्या स्थितियां आज दिखाई दे रही, कौन कौन से इलाके खास तौर से चिन्हित किए गए हैं, अगर हम ट्रेनों की बात करें, स्टेशनों की बात करें, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, खुफिया तंत्र यहाँ पर किस तरह से अलर्ट मोड पर है? बिल्कुल, ग्वालियर की बात किया जाए तो ग्वालियर से ही जो ईशा की शुरुआत हुई थी वो इंदौर तक पहुंची थी, उसको लेकर और उन्होंने जो ग्वालियर में जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ग्वालियर दिल्ली बंद का आह्वान किया गया है, उसको लेकर ग्वालियर के रेलवे स्टेशन पर मैं समय खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर पुलिस और आरपीएफ और जीआरपी की जो गश्ती दल है वो लगातार निगरानी कर रहे हैं, ट्रेन आते हैं तो युवाओं का कोई झुंड होता है उसे तितर बितर कर दिया जाता है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। खासकर जो दिल्ली जाने वाले युवा हैं उनको विशेष तौर पर निगरानी में रखा जा रहा है और उनसे पूछताछ करने के बाद ही उन्हें ट्रेन में बैठने के लिए अनुमति दी जा रही है। उसके अलावा जो अभी यहाँ पर जो डीआईजी जो आरपीएफ है वो भी प्रयागराज से यहाँ पर डेरे डाले हुए हैं, क्योंकि जब सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी वो हिंसा हुई थी ग्वालियर में ही और ग्वालियर के आसपास के जो छोटे छोटे स्टेशन है जैसे कि बिरला नगर है, रायडू है और सिकोली, इन स्टेशनों पर भी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, करीब 300 अतिरिक्त पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। हालांकि अभी माहौल बिल्कुल सामान्य सा दिखाई दे रहा है, ग्वालियर के पूरे बाजार भी पूरी तरीके से खुले हुए हैं, रेलवे स्टेशन पर भी आप देख सकते हैं कि सभी यात्री बिल्कुल निर्बाध रूप से आ जा रहे हैं, लेकिन पुलिस अलर्ट है और जो उनका खुफिया तंत्र है जैसे कि ट्रेनर थे उनके खिलाफ ग्वालियर के जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है, जो फिजिकल क्लब चलाते थे, एक फिजिकल क्लब संचालक उसको गिरफ्तार करके एफआईआर भी दर्ज की गई है, 10 लोगों को बाउंडों पर किया गया है और रडार पर रखा गया है, एक एक जो फिजिकल ट्रेनर फरार है जिसको उसकी
गतिविधियां भड़काने में आरोपी था, उसको 5000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। तो बिल्कुल कल कुछ उपद्रवी अगर माहौल खराब कर सकते हैं, उन्हें उन इलाकों को चिन्हित किया गया है और शहर की स्थितियां हम देख पा रहे हैं कि नॉर्मल है, हालांकि पुलिस जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। और INS 24/7 आप सभी से यही अपील करता है कि हिंसात्मक गतिविधियों में लिप्त ना रहें, कोई भी सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेजेस पोस्ट ना करें। आज पूरी तरह से पुलिस जो है वो अलर्ट मोड पर है और अगर कोई भी इस तरह से लिप्त पाया जाता है, संलिप्त पाया जाता है, तो उस पर कार्रवाई सख्त से सख्त होगी।